तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम डिफाइन करें बच्चों कि व्हाट आर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी और चार्ज पार्टिकल टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड और टू पिक्चराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं बेटा? एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं तुम्हारी, और वो इमेजिनरी लाइंस हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको बहुत अच्छे से समझ सकें कि उसकी मैग्नीट्यूड किस तरह से वेरी कर रहा है सराउंडिंग में, किसी चार्ज के डायरेक्शन किस तरह से वेरी कर रही है, उसको अच्छे से विजुलाइज कर सकें, इसके लिए हम ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन टू पिक्चराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें कि किस बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं, तो बेसिस क्या है ड्रॉ करने का? तो किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी फील्ड लाइन बच्चों जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस बेसिस पे ड्रॉ करी जाती है कि उस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और अगर इसके इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है तो इस डायरेक्शन में, इस पी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। सिमिलरली अगर पॉइंट ए है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर कोई और लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज दिस इज ए फील्ड लाइन, तो बेटा इसके इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कह सकते हो कोई भी फील्ड लाइन या फील्ड लाइंस इस बेसिस पे ड्रॉ करी जाती हैं कि उन फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट एक नोट करने वाला यहाँ पर ये है कि फील्ड लाइन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास फोर चार्ज पार्टिकल्स हैं, फोर चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, और उन चारों की वजह से फील्ड की अगर फील्ड लाइंस बनाएंगे, तो जो भी आपकी फील्ड लाइंस बनेंगी उस फील्ड लाइंस वो जो हैं वो चारों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी, ना कि किसी एक या दो पार्टिकल की। मतलब जो भी फील्ड लाइन उस रीजन में बन रही होगी, उस फील्ड लाइन पर जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमारी उन चारों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर वो बताएगी। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम बात को और थोड़ा समझते हैं। क्या एग्जाम्पल? तो एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम ले लें, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर हम ले लें, तो आप समझते हो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज होती है। कहीं पर भी आप देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस तरह से होगी, इस पॉइंट पर देखेंगे इस तरह से होगी, इस पॉइंट पर देखेंगे यहाँ पर इस तरह से होगी, यहाँ पर इस तरह से होगी, यहाँ पर इस तरह से होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी। तो इस तरह से ये आप जानते हो कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये तो मैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कुछ वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बट बेटा अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस बनाएं। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि ये पॉइंट चार्ज है, वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब यही है कि कोई भी इस चार्ज पार्टिकल के दूर दूर तक कोई सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, विच कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है सराउंडिंग में। तो अगर इस सिंपल पॉइंट चार्ज है तो इसकी जो फील्ड लाइंस बनती हैं जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, तो कुछ कॉन्टिन्यूस लाइन्स हम यहाँ पर बनाएंगे, कुछ इस तरह की रेडियल फील्ड लाइन्स बनेंगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज होगी,
तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये स्फेरिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, ठीक है ना। तो स्फेरिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई स्फीयर बनाऊं, इफ़ यू ड्रॉ ए स्फीयर, तो ये सारी लाइन उन स्फीयर को जिसका सेंटर इस पॉइंट चार्ज पे है परपेंडिकुलर कट करेंगी, ठीक है। तो इस तरह की फील्ड लाइंस को जो किसी भी इन सारे स्फीयर्स के रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगी, तो इस तरह के फील्ड को स्फेरिकली रेडियल फील्ड बोलते हैं। आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, एक्चुअल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लाइंस मैटर नहीं करती, ठीक है ना। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहाँ वहाँ फील्ड लाइंस तो ज़रूर होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कितने भी फील्ड लाइंस बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है। अब अगर आप देखें, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है रेडियल, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों पता करनी है, तो लाइन पे टेंजेंट खुद वही लाइन हो जाएगी। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पर दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये कंटिन्यूस लाइन्स है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, जो ये बता रही हैं कि एक पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होती है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल देखें, एक निगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड है यहाँ पर भी, तो इसके फील्ड जो होगी वो टूवर्ड्स द, यहाँ पर कहीं पर भी आप देखेंगे तो टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी। कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखेंगे, इस तरह से डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करें बच्चों, फील्ड लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, तो एक नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस भी स्फेरिकली रेडियल होंगी। बस डायरेक्शन ये होगी कि कहीं पर भी जो फील्ड लाइंस जो होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी, उनकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस होंगी बेटा, ये भी स्फेरिकली रेडियल फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। स्फीयर अगर हम बनाएंगे तो उसको 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। तो दीज लाइंस आर आल्सो स्फेरिकली रेडियल फील्ड लाइंस, बस ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये माइनस क्यू है और यहाँ पर ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है ना। तो दोनों आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है, अगर वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब फिर समझ लो, अगर उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज बॉडी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होती है, इसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, स्फेरिकली रेडियल, और जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप कुछ फील्ड लाइंस और ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो कुछ फील्ड लाइंस। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोगों ने एक लाइन चार्ज ली थी, है ना, लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ की अगर लाइन चार्ज हमने ली थी, तो इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी। तो जैसे ये मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, ये अप टू इनफाइनाइट आ रहा है, ऊपर भी अप टू इनफाइनाइट है। मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है, दैट इज 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, या लैम्डा अपॉन 2πε0r। तो कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट होगा वो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट जैसा होगा, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं तो आप लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं जाके दोबारा। तो यहाँ पर इस तरह से अवे फ्रॉम, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी डायरेक्शन पॉइंट पे इधर होती थी लाइन चार्ज से दूर की तरफ, ठीक है,
चारों तरफ है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। तो अगर हम लाइन चार्ज को ऊपर से देखें ना, है ना, ऊपर से देखें, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बिठा दें, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बिठा दें, तो ये ऑब्जर्वर जब लाइन चार्ज को ऊपर से देख रहा होगा बेटा, तो उसको एक ऊपर से देखने पे एक पॉइंट चार्ज जैसा नजर आएगा। अब ये लाइन जो है वो पेज के परपेंडिकुलर लाइन रखी है, तो चारों तरफ उसकी जो फील्ड होगी वो इस तरह से दिखेगी। इस तरह से दिखेगी, ये एक प्लेन में है, रेडियली आउटवर्ड है, अगर नेगेटिव लाइन चार्ज होगा तो इनवर्ड होगी। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ये है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन लाइन चार्ज के चारों तरफ से रेडियली निकल रही है, तो दिस इज सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड, है ना। यानी इसकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी बेटा, अगर हम इसकी फील्ड लाइंस बनाएं, दिस इज लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो इसकी फील्ड लाइंस बच्चों अगर हम बनाएं, तो इसकी फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम लाइन, सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, इस तरह से फील्ड लाइंस होती हैं बेटा। ये एक प्लेन में दिख रहा है, इसी तरह से आप किसी दूसरे प्लेन में भी देखेंगे तो रेडियल फील्ड लाइंस आपको दिख जाएंगी, इस तरह से रेडियल फील्ड लाइंस आपको दिख जाएंगी। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बनाऊँ इस लाइन चार्ज को एक्सिस मानते हुए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिलेंड्रिकली रेडियल, तो ये हर एक फील्ड लाइन इस सिलेंडर की एक रेडियल लाइन को, यानी एक रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं सिलेंडर के ऊपर से टॉप व्यू में देखूंगा तो मुझे बहुत सारी लाइंस रेडियल ऐसे नज़र आएंगी, इस तरह से, और भी इस तरह से, इस नीचे से अगर देख रहा हूँ मैं तो इस तरह से नज़र आएंगी, है ना। यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन में अगर ऊपर से देखोगे तो ये लाइनें कुछ इस तरह से सिलेंडर के सरफेस को नॉर्मली कट करेंगे। मतलब जितनी भी लाइंस होंगी वो सिलेंडर के सरफेस पे थ्री डायमेंशनली चारों तरफ 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। आप थ्री डायमेंशनली अगर सिलेंडर को चारों तरफ सराउंडिंग में देखेंगे तो फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इस तरह की फील्ड लाइन जो सिलेंडर की रेडियल को रिप्रेजेंट करती हैं, रेडियस को रिप्रेजेंट करती हैं, इस तरह की फील्ड लाइंस हमारी सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड लाइंस बच्चों कहलाती हैं, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स और हम एक दो फील्ड लाइंस देख सकते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अगर हम लोग शीट देखें, शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज, है ना, थिन शीट जो हम लोगों ने पढ़ी थी, इनफाइनाइट साइज़ की नॉन कंडक्टिंग शीट, तो उसकी फील्ड हम लोगों ने पढ़ी थी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, अलग इसे हम गॉस थ्योरम में दोबारा से पढ़ेंगे, और जो भी डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड लाइन हम दोबारा पढ़ेंगे उसके बारे में, फील्ड लाइंस के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये अगर मैं पेज के परपेंडिकुलर शीट बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ प्लस सिग्मा, साइज इज इनफाइनाइट, तो इसकी फील्ड लाइन जो होती है वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन होती है, शीट के परपेंडिकुलर फील्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होती है। इस तरह की फील्ड लाइंस अंतर है इसमें, ये रेडियल है बस पेज में तुम्हें एक प्लेन में नजर आ रही है जो सिलेंड्रिकल फील्ड लाइन है वो, बट ये एक शीट है, ये प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो पेपर के प्लेन के पैरेलल हमारी फील्ड लाइंस होंगी, इक्वली स्पेसिंग, तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें आइडिया है। जैसे जैसे हम आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते जाएंगे तो उसकी फील्ड लाइंस हम वहीं पे बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों डेवलप करी कि व्हाट आर द फील्ड लाइंस, क्या होती हैं। तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो बिहेवियर है लाइन चार्ज के या किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में, उसको अच्छे से समझने के लिए
कुछ इमेजिनरी लाइंस का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है ये भी एक दो मिनट में बात समझ लो। सपोज ये कोई फील्ड लाइन है और हम जानते हैं कि इसके इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो दिस टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रख दें तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, किसी भी चार्ज पे, एफ इक्वल टू क्यू ही होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्यू ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है बल्कि एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी बताता है। इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं फिर हम कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखा, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन ए निगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं लाइंस निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पर लाइंस अगर हम कहें सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये टर्मिनेट कहाँ हो रही हैं, इनफाइनाइट पे। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है तो टर्मिनेट तो इस चार्ज पे हो रही है, तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, इनफाइनाइट से। इसलिए या तो इनफाइनाइट से टर्मिनेट होती हैं, ओरिजिनेट हो सकती हैं, नहीं तो फिर पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी फील्ड लाइंस, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम कह सकते हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टी हम पढ़ ही चुके हैं कि टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बात हम समझ चुके हैं अच्छे से, तो इसको लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है कि इन वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम में बच्चों फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करी है, तो जो फील्ड लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी होती है, सपोज देर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट हैं, तो जहाँ पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लाइंस पास पास होंगी, उनका घनत्व अधिक होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ए पे लाइंस डेंसिटी ज़्यादा है, बी पे कम है, तो इन वैक्यूम आप कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है, ठीक है। तो जहां पर फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होंगी, बट ये रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये रूल कभी कभी फेल होता है, समटाइम्स फेल,
कभी कभी फेल होता है, कभी कभी जब हम देखेंगे किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर अक्सर फेल हो जाता है, इसलिए मैंने वैक्यूम में लिख दिया है। वैक्यूम में ये रूल इन द मोस्ट केसेस एप्लीकेबल रहता है, बट काफ़ी केसेस में ये रूल हमें जो है हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को समझने का और कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना बेटा, तो जहाँ पर भी फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा होंगी, पास पास होंगी, वहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं सिंपल फील्ड लाइंस बना दूँ, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ बना दिया, और मैंने कहा कि एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, तो बताइए सिर्फ इतना पूछ लूँ कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाई होगा या लो होगा, तो ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कितने एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लाइंस बच्चों मैटर नहीं करती हैं। कि कोई फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 लाइन बनाए वो भी ट्रू हो सकता है, किसी की मर्जी है वो 100 लाइनें बना सकता है। तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लाइंस बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। मैटर करता है रिलेटिव, मतलब तुम कंपेयर कर सकते हो कि ए पे बी से, ए पे फील्ड बी से ज़्यादा है, बट हो सकता है ए पे 10^-9 हो और या 10^-8 हो, तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही काफ़ी लो है बट ए का बी से कम है। ये भी हो सकता है कि दोनों बहुत हाई हो बट फिर भी ये रिलेटिवली इससे बड़ा है। तो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड ओनली टू कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू पॉइंट्स। कोई एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं बी पॉइंट ना बनाऊं तो यू कैन नॉट कमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है। तुम ये नहीं बोल सकते कि ए पे कम होगी, ज़्यादा होगी, कितनी होगी, कुछ नहीं। हाँ, ए और किसी दूसरे पॉइंट में कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लाइंस कोई कितनी ड्रॉ करता है, 5 लाइनें ड्रॉ करके अपनी बात समझा लेता है, कोई 10 लाइनें ड्रॉ करता है अपनी बात को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए, तो दोनों बातें ट्रू हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लाइन मैटर नहीं करती हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट कैन ओनली बी यूज टू कंपेयर, नॉट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके बच्चों, तो एक सिंपल सी बात है, कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और भी हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और कुछ जैसे जैसे आगे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे उनके बताओ, तो अभी मैं सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी डिसकॉन्टिन्यूअस, अभी इसका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल आगे मिलेगा। डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकती, कोई लाइन ऐसे हो सकता है यहाँ से टर्मिनेट हो जाए फिर यहाँ से शुरू हो, ना, दो लाइनें आपस में कट नहीं कर सकती बेटा, है ना, वरना एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो टू डिफरेंट फील्ड लाइंस कैन नेवर कट ईच अदर, ठीक है। बट मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि टू डिफरेंट लाइंस कैन नेवर टच ईच अदर, टच भी नहीं कर सकती, ना कट कर सकती है ना टच कर सकती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे इधर से देखोगे तो लगेगा लाइन टर्मिनेट हो रही है, वहीं से ओरिजिनेट हो रही है, तो सेम पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दे कैन नॉट टच, दे कैन नॉट कट, दे कैन नॉट टच ईच अदर, ठीक है।